अब आ जाए प्रॉब्लम 1.15 है, और प्रॉब्लम है हमारे पास बेसिकली कि साई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा एप्सिलोट एक्स ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल यूज़ किए हैं शायद उसमें टी का जो जो टाइम डिपेंडेंस वेव फंक्शन की नहीं, तो यहाँ पे आप टाइम डिपेंडेंस वेव फंक्शन ही देख रहे हैं। तो इसमें भी पहला पहला हमारा काम है कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना, दूसरा हमारा काम होगा डिटरमिन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आप कह लेंगे ये हमारा टॉपिक कवर हो रहा है, थर्ड टॉपिक हमारा ये प्रोबेबिलिटी वाला कवर हो रहा है। और फिर हमने कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने पॉइंट्स मार्क करने हैं ये वाले, और इलस्ट्रेट इनको इंटरप्रेट करना है कि वो स्प्रेड इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, और लास्टली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल वुड बी फाउंड आउटसाइड दिस रेंज, इस रेंज से वन स्टैंडर्ड डेविएशन के आउटसाइड रेंज में पार्टिकल के पाए जाने की प्रॉबिलिटी क्या है। तो ये हम देखेंगे, पहला काम हमारा नॉर्मलाइज करना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करूँ तो होगा ये कि हमारे पास जो पहले होगा ये वेव फंक्शन स्टैटिक, और साथ आएगा साथ हमारे पास ये वेव फंक्शन होगा। ठीक है, ए स्टैटिक का मतलब हमारे पास होता है कि इसमें जितने भी इमेजिंग पार्ट्स हैं उनका जो साइन इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसी को लिखें एक्सपेंड करके तो ये आ जाएगा मेरे पास ए, क्योंकि रियल है तो ये एज इट इज आ जाएगा, लैम्डा ई और एक्स ये रियल है तो ये एज इट इज आ जाएंगे माइनस लैम्डा एक्स। ठीक, और जो चीज़ रियल नहीं है यहाँ पे वो आयोटा है, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आयोटा ओमेगा और साथ थ्री। ठीक, तो इसके साथ एज इट इज जो मल्टीप्लाई होगा वो वेव फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देख लें कि ये जो पावर्स हैं इन दोनों की जो पावर है वो साइन सेम है, इसका भी माइनस है उसका भी माइनस है, तो ये बन जाएगा माइनस टू लैम्डा एब्सोल्यूट एक्स, जबकि इसकी जो पावर है वो है आयोटा ओमेगा टी, और इसकी पावर है ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा वन। ठीक है, तो ये आपको मैं एक्सप्लिसिटली शो कर दूं, तो ये आयोटा ओमेगा टी और साथ इसके पावर आ जाएगी माइनस आयोटा ओमेगा टी और पावर जीरो समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। सिर्फ हमारे पास जो पार्ट रहेगा वो ये बनेगा, और इसके साथ बन जाएगा ये स्क्वेयर ए स्क्वेयर बन जाएगा और ई पावर माइनस टू लैम्डा एक्स बन जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ई स्क्वेयर ई पावर माइनस टू लैम्डा एक्स, जबकि जो टाइम डिपेंडेंस पार्ट था वो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब सिर्फ मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, ई पावर माइनस टू लैम्डा एक्स माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक, ये हमारा गॉसियन वेव फंक्शन नहीं है तो इसे हमें इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा खुद से। तो चूंकि जो यहाँ पे ये फंक्शन है ये है हमारे पास इवन, कि जो एक्स जीरो के राइट हैंड साइड पे वेव ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है वही जो जीरो के राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेगेटिव एक्स के लिए एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि एक्स हमारा एब्सोल्यूट है। आप नेगेटिव एक्स पुट करें यहाँ पे या पॉजिटिव एक्स पुट करें बात एक ही है। तो हम बजाय से माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक इंटीग्रेट करें तो हम ये करते हैं जीरो से लेकर इनफिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं और टू साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों रीजन में जो वेव फंक्शन है जो हमारा ये फंक्शन है बिल्कुल सेम है। तो बजाय कि हम माइनस इनफिनिटी से लेकर इनफिनिटी तक इंटीग्रेट करें तो हम करते हैं जीरो से लेकर इनफिनिटी तक इंटीग्रेट और मल्टीप्लाई करते हैं टू से। तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपके सामने है, वो कुछ इस तरह से है कि ई पावर माइनस टू लैम्डा एक्स और इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंट फंक्शन की कि इसका जो पावर में डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो पावर में डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो नीचे आ जाएगा माइनस टू लैम्डा। ठीक, तो आप यहाँ पे पहले मैंने इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लिया, जो टू टू से कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर लिमिट्स पुट करने के बाद ए पावर इन्फिनिटी ये हमारे पास वन ओवर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और जबकि लोएस्ट लिमिट में जब आप अप्लाई करेंगे तो ई पावर जीरो और समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन, और लोएस्ट लिमिट के लिए यहाँ पे माइनस आएगा,
हमारे पास है ए स्क्वेयर ओवर लैम्डा। और जो कि नॉर्मलाइजेशन हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि इंटीग्रेशन जो होल स्पेस पे इक्वल टू वन रख के करते हैं, और फिर हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस तरह से लैम्डा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट लैम्डा। तो ये रहा हमारा नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट। हम अगर इस कॉन्स्टेंट को वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज रहेगा, और थ्रू टाइम हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज रहेगा। सेकेंड पार्ट था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी हमें। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हमने वेव फंक्शन को साई स्टेरिक और साई के दरमियान में एक्स को सैंडविच करना है और इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कि ये यहाँ पर भी जो वेव फंक्शन का इमेजिनरी टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि पहले कैंसिल आउट हो गया, और सिर्फ इंटीग्रेशन रह जाएगी माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक एक्स ई पावर माइनस टू लैम्डा एक्स। तो चूंकि ये ऑड इंटीग्रल है, ऑड इंटीग्रल की डेफिनेशन मैंने आपको ऑड फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि अगर आप एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करते हैं तो देखेंगे आपके पास पूरा वही फंक्शन नेगेटिव के साथ अपेयर होता है। तो हम इसे कहते हैं ऑड वेव फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो ये एक्स को अगर आप नेगेटिव एक्स से रिप्लेस कर दें तो वो आना चाहिए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर आप नेगेटिव एक्स से रिप्लेस कर दें। तो जो कि नॉड इंटीग्रल है, सिमेट्रिक इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं, तो ये हमारे पास आएगा डायरेक्ट 0। अब बात करें एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे सैंडविच कर दें, और चूंकि ये हमारे पास बन गया है इवन फंक्शन, और ये फंक्शन नेगेटिव एक्स के लिए भी वो जो है वही पॉजिटिव एक्स के लिए है, तो बजाय कि हम नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करें, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू है लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा आ गया 2 लैम्डा। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो चीजें हमने स्पेसिफाई करनी है वो है कि यू क्या होगा और डीवी क्या है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, यू डीवी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। तो यू इस केस में हमारे पास पॉलिनोमियल है, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी यू बन जाएगा डी यू इज इक्वल टू 2x dx। ये डिफरेंशियल लिया बेसिकली, और बाकी जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट है यू के अलावा वो हमारा होगा डीवी। तो ये पूरा जो है वो डी वी है, डी वी इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2 लैम्डा एप्सिलॉन एप्सिलॉन एब्सोल्यूट एक्स डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा इसका ई इज इक्वल वी इज इक्वल टू -1/2 लैम्डा, जो कि ये पहले रिजल्ट था ई पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स। अब आपने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी। तो ये रहा पहला पार्ट, ये यू एज इट इज, ये देखिए यू एज इट इज आ गया, और यहाँ पे वी आएगा, वी ये है, तो यू एज इट इज यहाँ पे वी लिमिट्स के साथ, और फिर हमारे पास है वी यहाँ पे और डी यू साथ। तो ये रहा वी और साथ ये डी यू, डी यू हमारे पास 2x dx। इसकी लिमिट्स आप पुट करेंगे इसमें पूरे में ये 0 0 कर देगा वे फंक्शन पूरे इस टर्म को, और इन्फिनिटी भी इसको 0 कर देगा, तो ये पूरी कंट्रीब्यूशन इसकी यहाँ से आ जाएगी 0, जबकि सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन रह जाएगी वो इस पे ऊपर रह जाएगी। एक 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस इस माइनस से चला गया। तो अब आप दोबारा इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम करेंगे ये कि दोबारा ये एक्स को लेंगे यू, और ई पावर माइनस 2 लैम्डा x dx ये हमारा है वी। तो ये आ गया हमारे पास यू और ये वी इंटीग्रेशन के साथ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। तो ये यू वी माइनस वी डी यू, क्योंकि एक्स हमारा इसके यू इज इक्वल टू हमारा एक्स है, तो इसका डिफरेंशियल डी यू इज इक्वल टू डी एक्स ही होगा, तो ये डी एक्स आ गया। अगेन ये 0 हो जाएगा, इसकी लोअर लिमिट के लिए भी ये 0 है, इसकी अपर लिमिट के लिए भी 0 है। 0 पुट करेंगे एक्स 0 हो गया, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिर्फ अब यहाँ पे इंटीग्रेशन रह गई है, ठीक। तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होगी एक बाहर 1/1 लैम्डा है, एक अंदर लैम्डा है 1/2 लैम्डा, तो ये बन जाएगा 1/2 लैम्डा स्क्वायर।
इसको अब आप इंटीग्रेट करें, ये अगेन वी ही है जिसको हम बार बार इंटीग्रेट करते आ रहे हैं, ये रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है इसका, तो ये आ गया। और इसकी लिमिट्स अब आप पुट करें, तो लिमिट जब आप पुट करेंगे 1/(∞), ये 0 - 1/(0), ये 1 बन गया। तो लोअर लिमिट के लिए हमारे पास नॉन जीरो आंसर, अपर लिमिट के लिए हमारे पास जीरो आंसर। तो -1 × -1/4 लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1/4 लैम्डा क्यूब। तो ये रहा इसकी पूरी इंटीग्रेशन का रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा, याद रहे हमारे पास यहाँ पे 2 लैम्डा था और 2 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थी। तो 2 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट है 1/4 लैम्डा क्यूब। तो मैं दोबारा वापस पुट करूंगा 2 लैम्डा × 1/4 लैम्डा क्यूब, तो रिजल्ट आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले मैं वेरिएशन को देखूंगा। वेरिएशन में बताती है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स फिर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास वैसे जीरो था और इसका रिजल्ट है 1/2 लैम्डा स्क्वायर, तो टोटल रिजल्ट आएगा 1/2 लैम्डा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू 1/λ√2। तो अभी तक हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज भी कर लिया, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली और उसके बाद लास्टली भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने देख ली। अब प्रॉब्लम में हमें एक आ गया था कि आप देखें कि जो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन तक जो वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास फैक्टर क्या आएगा। तो एक्स की जगह पे मैं सिग्मा पुट करके देखूंगा, जो हमारे पास वेव फंक्शन था ये रहा ये वेव फंक्शन, ठीक है, इसकी जगह पे मैं सिग्मा पुट करूंगा। तो सिग्मा आ जाएगा ए स्क्वायर ई पावर माइनस 2 लैम्डा, यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स था उसकी जगह पे सिग्मा आ गया और सिग्मा की वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट की थी 1/λ√2, तो लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी सब हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा √2 -√2 = 0.2431 लैम्डा। तो स्केच करने का भी कहा गया प्रॉब्लम में, तो स्केच जब आप करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक्स है एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस हमारे पास प्रोबेबिलिटी स्क्वायर है, सॉरी हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है या फिर आप कहें वेव फंक्शन स्क्वायर है, तो वेव फंक्शन का मॉडल उसके लिए हमारे पास इस तरह से स्केच होगा। ठीक, यहाँ पे आप देख लें वाजे तौर पे, तो तभी हम इसको लिमिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखें वेव जो वेव फंक्शन राइट हैंड साइड पे है 0 के एग्जैक्टली उसकी रिफ्लेक्शन 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अब इंटीग्रेशन आप यहाँ से यहाँ तक करें या फिर यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। तो अगर आपने एक खास रीजन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो अब आप कैसे करेंगे, तो इसमें हम ये देखेंगे। तो प्रॉब्लम हमें ये कहती है कि आप आउटसाइड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है एरिया है स्टैंडर्ड डेविएशन का 1, तो ये है ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, हमने इसके आउटसाइड ये जो रीजन है इधर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इस रीजन में, ठीक है। तो हम करेंगे सिग्मा से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे और चूंकि दोनों साइड पे वेव फंक्शन सेम है, ये साई स्क्वायर सेम है साई मॉडुलस स्क्वायर, तो मैं एक इंटीग्रेशन करूंगा सिग्मा से इन्फिनिटी तक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि देखें आप ये दोनों रीजन एग्जैक्टली सेम है। तो सिग्मा से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, तो सिग्मा हमारे पास साई आ गया एग्जैक्टली ए स्क्वायर ई पावर माइनस 2 λ x dx, इसकी इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी देखी हुई है और इंटीग्रेशन है ई पावर माइनस 2 λ x और माइनस 2 λ, और लोएस्ट लिमिट इस बार हमारे पास 0 नहीं है बल्कि हमारे पास जो लिमिट है वो है सिग्मा। तो सिग्मा हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1/∞ हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, -1/e पावर 2 λ सिग्मा, पावर में माइनस था तो नीचे आ गया। तो अगर आप लैम्डा लैम्डा से कैंसिल 2 2 से कैंसिल, यह कैंसिलेशन हो गई, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो ई पावर माइनस 2 λ सिग्मा यहाँ से रिजल्ट आ गया। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें, वो है 1/√2λ है, ये 1/√2λ, ये वैल्यू पुट करें इधर, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस 2 आ जाएगी,
तो ये रही आउटसाइड ऑफ प्रॉबिलिटी। तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रॉबिलिटी है आउटसाइड द वन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.2431। तो इस एक्सरसाइज में हमने अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस कर लिए, हमने नॉर्मलाइजेशन भी देख ली, हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना भी देख लिया, और प्रोबेबिलिटी भी एक खास रीजन में आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया।